राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आज की एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा सीईटी ग्रुप डी को लेकर भाई, यानी कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब आएगा, आप लोगों का जो पोर्टल है वो पोर्टल कब ओपन होगा, और जो ग्रुप सी का रिजल्ट आया है इस ग्रुप सी का रिजल्ट का असर है वो कितना रहेगा इस भर्ती के ऊपर भाई, इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बातें करेंगे। कट ऑफ के अंदर कितना असर देखने को मिलेगा ये भी आप लोगों को बताएंगे भाई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करना प्यारे साथियों। यहाँ पर बात करेंगे भाई, जो आप लोगों का देर रात को ग्रुप सी का रिजल्ट जारी किया गया है, लगभग 20 ग्रुप और 59 कैटेगरियों का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को जारी किया गया है। जो आप लोगों की परीक्षा हुई थी भाई 30 और 31 को 5 ग्रुपों की, फिर 6 और 7 को 4 ग्रुपों की, और 14 तारीख को 11 ग्रुपों की जो परीक्षा हुई थी भाई, इन परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया गया है। लगभग इनके अंदर भाई 10 से 12 हज़ार पोस्ट थी, इन पोस्टों का रिजल्ट जारी करने का काम किया गया है। अब बात करेंगे भाई 5 नंबर के ऊपर आप लोगों की, यानी कि 7 फरवरी को आप लोगों की कोर्ट केस की डेट है प्यारे साथियों, आप सभी को पता भी होगा। यानी कि 7 फरवरी को आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि भी 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या कोई नेक्स्ट डेट देने का काम किया जाएगा। यानी कि 5 नंबर के ऊपर कल की डेट है वो बहुत कुछ मायने रखेगी आप लोगों के लिए ग्रुप डी की भर्ती के लिए भाई। अगर मान के चलो 5 नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते वो अलग बात है। अब ग्रुप सी का जो रिजल्ट आया है 10 से 12 हज़ार पोस्टों का, इसका डी ग्रुप के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा। मान के चलो भाई आप लोगों की जो पहले कट ऑफ लिस्ट, मान के चलो, ये नहीं कि भाई मैं कन्फर्म बता रहा हूँ आप लोगों को, मान के चलो प्यारे साथियों, अगर आप लोगों की यू आर की जो कट ऑफ लिस्ट, मान के चलो भाई 75 से 77 के बीच में रहने के जो आसार थे, अब ग्रुप सी का जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट के बाद 2 से 3 नंबर आप लोगों की जो कट ऑफ लिस्ट है इसको कम रहने के आसार कर दिए गए हैं। जितनी भी कैटेगरी हैं, जैसे EWS जो कैटेगरी है, मान के चलो भाई आपकी जो लिस्ट थी फाइनल, मान के चलो भाई 72 नंबर के आसपास आती थी, अब जो रिजल्ट आया है ग्रुप सी का, इस रिजल्ट के बाद आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ होगी भाई, इसके अंदर भी आप लोगों को 2 से 3 अंक कम देखने को मिल सकती है भाई। इतना असर इस भर्ती का इन ग्रुपों, इस ग्रुप डी के ऊपर देखने को मिल सकता है प्यारे साथियों, क्योंकि 10 से 12 हज़ार पद हैं आप लोगों के और इन पदों को भर दिया गया है। और जैसे ही TGT का रिजल्ट आएगा भाई, 7771 पद हैं आप लोगों के जो TGT भर्ती के, अगर इस भर्ती का रिजल्ट भी ग्रुप डी से पहले किया जाता है तो आप लोगों को थोड़ी सी और गिरावट है वो इस भर्ती के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि इस भर्ती का असर है जो ग्रुप डी भर्ती के ऊपर पूरा पूरा असर रहेगा, क्योंकि भाई जो बच्चे थे ग्रुप सी के अंदर और वही ग्रुप डी के अंदर थे, तो ऐसे में अब वो ग्रुप सी के अंदर ज्वाइन करेंगे ना कि ग्रुप डी के अंदर। तो ऐसे में आप लोगों का जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के अंदर आप लोगों को 1 या 2 नंबर की जो भी कट ऑफ लिस्ट है आप लोगों का, उसके अंदर इन अंतरों को देखने का काम मिलेगा भाई, या उन अंतरों को देखा जा सकता है। और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आगामी 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों का जो पोर्टल है वो आगामी 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर खोलने का काम किया जा सकता है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट के लिए ओपन किया गया था उसको पूरा करने का काम किया गया है। अब आप लोगों के लिए पोर्टल को ओपन करने का काम किया जाएगा, यानी कि आप लोगों के लिए किसी न किसी टाइम बहुत बड़ा धमाका है ग्रुप डी को भी देखने को मिल सकता है। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े, चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे टेलीग्राम चैनल हो प्यारे साथियों, आप लोगों को सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ अपडेट देना हमारा काम है। तो इसलिए आप सभी हमारे चैनल और यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन और सब्सक्राइब करने का काम करना। थैंक यू।